नॉर्थ में जल दफ्तर है, मैं बड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। और ईस्ट में फेंग शू के हिसाब से ईस्ट में वुडन एलिमेंट्स बोला गया है फेंग शू में, लेकिन भारतीय वास्तुशास्त्री ने इसको वुडन बजाय एयर एलिमेंट बोल दिया, कहते हैं एयर एलिमेंट है, जो जो हमारे मतलब एयर में होता है वो ईस्ट में है, और ये उसके बाद फायर एलिमेंट्स हो जाता है, ये ठीक ईस्ट है, ये अग्नि कौन है, ठीक उसके बाद आ जाता है अर्थ एलिमेंट, फिर आ जाता है स्पेस एलिमेंट्स, ये सब चलता रहता है। अगर आप गौर से देखोगे ना, पानी अगर पौधे को मिलता है तो पौधा लकड़ी बन जाती है, वुडन एलिमेंट्स बन जाती है, इस ओके ना, लकड़ी अगर जलती है तो आग बन जाती है, आग अगर बुझती है तो अर्थ बन जाती है, और अर्थ के नीचे से ही मेटल निकलता है, ठीक आकाश से ये सब सब चलता रहता है, चलता रहता है। यानी कि आप देखोगे कि ये पांचों तत्व आपस में माता और बेटे का रिश्ता भी है, इट्स ओके ना, यानी कि ये तत्व इसको बढ़ा देगा, ये तत्व इसको बढ़ा देगा, ये इसको बढ़ा देगा, ये इसको बढ़ा देगा। अगर एयर एलिमेंट्स ज्यादा यहां पर आ गया तो फायर एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे, इट्स ओके ना, तो अगर वाटर एलिमेंट्स यहां आ गया तो ये एयर एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे, इट्स ओके, तो अगर अर्थ एलिमेंट यहां आ गया स्पेस एलिमेंट बढ़ जाएंगे, ये सही सर्कल चलता रहता है। यानी कि जो एलिमेंट्स हमारा कम है हम लोग पता क्या करते हैं कि वो एलिमेंट को बढ़ा देते हैं, यानी कि अगर मुझे फायर एलिमेंट्स कम नजर आ रहे ना, मान लो मेरा साउथ ईस्ट कम है तो मैं एयर एलिमेंट को जहां स्थापित करूंगा तो फायर एलिमेंट्स मेरा बढ़ जाएगा, ऊपर को आ जाएगा फायर एलिमेंट्स। तो अगर मुझे कम करना है तो मैं बैक गियर डाल दूंगा, अगर फायर में अर्थ मिट्टी डाल दूंगा तो क्या होगा, इट्स ओके ना, तो इस तरह ना ये अगर ये उल्टो चलता रहेगा, अगर मैंने ये यहाँ पर फायर यहाँ ले आया यहाँ, ये कम होता जाएगा। इसके अपने अपने कलर्स हैं, नोट करिए, कलर्स शेप, कलर शेप मेटल्स, ये सारी पृथ्वी पंच तत्वों की है, हम भी पंच तत्वों के, पूरा ब्रह्मांड ही पंच तत्वों का, इट्स ओके। यहां पर हम कहते हैं ब्लू कलर है, यहां पर हम कहते हैं ग्रीन कलर है, यहां पर रेड कलर है, येलो कलर है, व्हाइट कलर है, यहां पर शेप है वेवी शेप्स, रेक्टेंगल शेप्स, ट्रायंगल्स, स्क्वायर, राउंड शेप्स, इट्स ओके ना। अब देखिए इसमें ये वास्तु का फंडा सारा इसमें छुपा हुआ है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है, पानी अगर फायर में आ जाए तो आग को बचा देगा, इट्स ओके। अगर किचन गलत जगह पर है तो अभी सीसे दाय लगा लेंगे, अगर ये फायर यहां आ जाएगा तो भी पानी को नुकसान करेगा, इसे दो दो तत्व आ जाते हैं, शोर में करेंगे हम लोग, एयर एलिमेंट्स अर्थ में आ जाएगा तो इस अर्थ को खराब कर सकता है, अगर देखा गया ना हवा बहुत देर चलती है, तूफान आता है तो बिल्डिंगें गिरा देते हैं, देखते हैं ना हम लोग। तो इस तरह अगर फायर एलिमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं फायर एलिमेंट्स बढ़ा दूंगा तो आकाश एलिमेंट्स मेरा कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर धुआं निकलेगा, आकाश एलिमेंट्स खत्म हो जाएगा, स्काई एलिमेंट्स, लेकिन डिस्ट्रॉय कर देता है। हम ये कह सकते हैं कि अपने से तीसरा एलिमेंट शत्रु है, ये कह सकते हैं। अगर घर में ये बन रहा है तो आपने इसको ठीक करना है, पहला वास्तु भाई पहला एक फंडा है, वाइज डायरेक्शन वो कंस्ट्रक्टिव है और एंटी क्लॉक है वो डिस्ट्रक्टिव। हां बिल्कुल, मतलब ये हां बिल्कुल, अगर तो उसको बढ़ाना है तो ये ले आइए, अगर तो कम करना है तो ये ले आइए। फायर बड़ी हुई है, फायर आप देखोगे कि मेरा ना फायर जोन बहुत बड़ा हुआ है, मान लो तो मैं क्या करूंगा, फायर जोन बड़ा हुआ है ना तो मैं अर्थ एलिमेंट ले आऊंगा ताकि वो कम हो जाए, येलो कलर लाने से अर्थ एलिमेंट कम हो जाएगा, इट्स ओके ना। तो ये जो फंडा है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है, इसी तरह ना अगर मैं कहता हूं कि यहां पर शेप्स है ना, राउंड शेप्स है यहाँ की शेप्स, आप देखोगे ना इसमें छोटे चार्ट में आप लिखा है शेप्स कहां पर अच्छी रिजल्ट दे रही है, कलर कहां पर अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ब्रोकन बंधन है, राउंड शेप कलर शेप्स मेटल्स तीनों ही बुरा असर करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि नॉर्थ का ना अल्मोनियम है, मान लो अल्मोनियम है, इसका ब्लू कलर है, एक बेबी शेप्स है, अगर साउथ ईस्ट का ट्रायंगल है, मान लो ट्रायंगल है शेप्स, यहां पर कॉपर है,
इट्स ओके ना, रेड है। अगर मेरा ब्लू कलर जहां पर रहेगा साउथ ईस्ट में, अगर एल्यूमिनियम यहां पर रहेगा तो घर में लड़ाई झगड़ा होगा, सास बहु कठिन नहीं रहेगी। आप नोट करिए, जब तक पहले ना सब पीतल के बर्तन होते थे भारत में, 15-20 सालों से ना एल्यूमिनियम के बर्तन पर बात चल गया, बीमारी भी आ गई। एल्यूमिनियम तो जहां पर बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय है ना सर, नॉर्थ का है, यहाँ कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता। तो कहीं ना कहीं झगड़ा भी चल गया, फिर किचन भी लगाने लगी, बहू की लग है, सास की लग है, ये होना शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं धन भी कम हो गया। तो ये चीज हमने इस चीज को देखना है, ठीक है ना। तो मतलब इस अब जो एयर एलिमेंट्स है, मान लो ये नॉर्थ को खराब कर देता है, आपने देखा होगा ना कि नॉर्थ में अगर बहुत हैवी बिल्डिंग हो जाएगी तो क्या होगा, अब बताइए कोई बात नहीं, नॉर्थ में किसी का नॉर्थ बहुत हैवी हो जाएगा तो क्या होगा, दंगा नाश करेगा, बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि नॉर्थ है कुबेर जी की और यहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया आपने, इट्स ओके। चेतन भाई देखिए, अर्थ एलिमेंट्स नॉर्थ में डिस्ट्रॉय कर देगा, पूरा डिस्ट्रॉय कर, नॉर्थ की एनर्जी को खत्म कर देगा, ठीक है ना। इस तरह अगर किचन फायर वेस्ट में आ गया तब भी बुरी हो गई, ये यहां पर बुरी हो गई। अब ना मान लो लोग कहते हैं क्लोक होती है ना ईस्ट में अच्छी होती है, सभी लोग कहते हैं, क्या राउंड में, क्योंकि यहां की शेप्स राउंड है, क्या ईस्ट में अच्छी होगी, राउंड क्लोक कभी अच्छी नहीं होगी। आप देखोगे सर बहुत मुड़ वाला है कि अगर वहां पर ये आ गया ना तो वहां की जिस देवता में आया, बड़ी मुड़ बात है, द्वारा में स्टार्टिंग देवता से किया था ना हमने, जिस देवता में आ गया, इंद्र देवता में आ गया मान लो राउंड क्लोक, तो आप देख लो वो आदमी, मतलब अगर वो इलेक्शन में खड़ा है ना हार जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री खड़ा हुआ है या मुख्यमंत्री खड़ा हुआ है, हार जाएगा, ठीक नहीं।